अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जनरल साइंस एम सी की क्लास सिक्स चैप्टर फाइव पार्ट टू दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ क्लास सिक्स जनरल साइंस एम सी की चैप्टर नंबर फाइव का पार्ट नंबर वन शेयर कर दिया था अभी हम जो है पार्ट नंबर टू स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नाम है एटम्स मालिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर टेस्ट ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है टेस्ट के लिए और मैंने आपके साथ जो है पार्ट वन में टोटल जो है ट्वेंटी थ्री एम सी की शेयर किए थे अभी जो हम ट्वेंटी uh, फोर से स्टार्ट करेंगे एम सी नंबर ट्वेंटी फोर विच गैस इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट बालून्स एडवर्टाइजमेंट बालून्स में कौन सी गैस जो है वो यूज होती है ऑप्शन हीलियम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन एम सी नंबर ट्वेंटी फाइव हाउ मेनी इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ जमीन पर जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं एलिमेंट के ऑप्शन टू थ्री फोर या फिर फाइव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टू एम नंबर ट्वेंटी सिक्स विच आर टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ जमीन पे जो है वो एलिमेंट के कितने इम्पॉर्टेंट जो दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं ऑप्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आयरन एंड सिल्वर या फिर सिलिकॉन एंड कार्बन दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स

एम सी क्यूथ नंबर ट्वेंटी नाइन इन विच एलिमेंट्स हैव हाई पॉइंट्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉयलिंग कौन से एलिमेंट जो है वो हाई पॉइंट होती है मेल्टिंग की पिघलने की और बॉयलिंग की ऑप्शन कंपाउंड्स में मेटल्स में नॉन मेटल्स में या फिर ऑल ऑफ देम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेटल्स एम सी क्यूस नंबर थर्टी इन विच एलिमेंट्स हैव लो पॉइंट्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉयलिंग कौन से एलिमेंट जो है वो लो पॉइंट्स होती है मेल्टिंग एंड बॉयलिंग की ऑप्शन कंपाउंड्स में मेटल्स में नॉन मेटल्स में या फिर नॉन ऑफ देम दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉन मेटल्स एम सी क्वेश्चन थर्टी वन विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी कौन से जो हैं वो, uh, है वो गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी में ऑप्शन कंपाउंड्स मेटल्स नॉन मेटल्स या फिर मिक्सचर दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉन मेटल्स एम सी क्यूथ नंबर थर्टी टू वाट आर फॉर्म्ड बाई कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो फिर उसका क्या फार्म बनेगा ऑप्शन कंपाउंड्स मेटल्स नॉन मेटल्स या फिर मिक्सचर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड्स एम सी क्यूथ नंबर थर्टी थ्री वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पानी जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ऑप्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एम सी क्यूथ नंबर थर्टी फोर वाशिंग सोडा इज कंपाउंड ऑफ वाशिंग सोडा जो है वो किस चीज़ का कंपाउंड है ऑप्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कार्बन एंड ऑक्सीजन एम सी क्यूथ नंबर थर्टी फाइव कॉमन साल्ट इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन साल्ट जो है वो किस चीज की केमिकल कॉम्बिनेशन का है ऑप्शन सोडियम एंड पोटास क्लोराइन एंड कैल्शियम सोडियम एंड क्लोराइन या फिर सोडियम एंड पोटाशियम दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सोडियम एंड क्लोराइन एम सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेज विच इज नॉट कम्बाइंड केमिकली कॉल्ड सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन uh, जो केमिकली uh, कंबाइन ना हो उसको क्या कहा जाता है ऑप्शन कंपाउंड्स मेटल्स नॉन मेटल्स या फिर मिक्सचर दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिक्सचर एम सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इन टू इन टू कंपोनेंट्स बाय मिक्सचर जो है वो सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट्स में किसके जरिए ऑप्शन गैसेस फिजिकल मेथड केमिकल मेथड या फिर फिक्स रेशो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिजिकल मेथड एम सी क्यूज नंबर थर्टी एट अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू इट्स कंपोनेंट्स बाय कंपाउंड जो है वो ब्रोक किया जाता है तोड़ा जाता है uh, उसके कंपोनेंट्स में किसके जरिए ऑप्शन गैसेज के जरिए फिजिकल मेथड के जरिए केमिकल मेथड के जरिए या फिर फिक्सड रेशो के जरिए दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, MCQ 39, of are not mixed in. Mixer के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सड नहीं होते किसमें ऑप्शन गैसेज में फिजिकल मेथड में केमिकल मेथड में या फिर फिक्स रेशो में आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फिक्स रेशो में एमसीक्यूथ नंबर फोर्टी कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड आर मिक्सड इन कंपाउंड uh, के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स्ड होते हैं किस में गैसेज में फिजिकल मेथड में केमिकल मेथड में या फिर फिक्स रेशो में दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड रेशो एम सी क्यूज नंबर फोर्टी वन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर किस चीज़ का मिक्सचर है ऑप्शन गैसेज का कंपाउंड्स का केमिकल्स का या फिर फिक्सड रेशो का दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गैसेस का

एम सी कितना फोर्टी फोर हाउ मच परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट मौजूद होती है ऑप्शन जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन ऑप्शन जीरो पॉइंट जीरो ऑप्शन जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट जीरो थ्री ऑप्शन नंबर सी वन परसेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन परसेंट एम सी चीज नंबर फोर्टी फाइव स्टील मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का बना हुआ होता है जो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ऑप्शन फिल्ट्रेशन का क्रिस्टलाइजेशन का मिक्सचर का या फिर बोथ ए एंड बी दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर का एम सी क्यूज नंबर फोर्टी सिक्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इन सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्राम अ मिक्सचर इज कार्ड मिक्सर्स में से जो है इन सॉल्यूबल सॉलिड्स की जो सेपरेटिंग है उसको जो अलग किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन मिक्सचर या फिर ऑल ऑफ द एम दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर

एम नंबर फोर्टी एट अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज प्यूरीफाइड इज कॉल्ड ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो प्योरीफाइड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है ऑप्शंस फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन

कार्बन के कितने एटम्स पे मुश्तमिल होता है ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वन एम सी नंबर फिफ्टी वन कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने ऑक्सीजन uh, के एटम्स पे मुश्तमिल होता है ऑप्शन वन टू थ्री या फिर फोर दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें आइकन को ताकि आपके पास मज़दीद ऐसी वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं अगली वीडियो में